हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली आज हम बनाएंगे आपका बेसन से बहुत टेस्टी और बहुत यूनिक सा रेसिपी। चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपका बेसन ले लिया है, जो चने के बेसन आता है ना, वो वाला बेसन लिया है मैंने। और अब थोड़ा थोड़ा पानी से मैं इनको अच्छे से मिक्स कर, हमें इनमें ज़्यादा एक बार पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। देखिए पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है, जितना मिक्स करेंगे उतना अच्छे से रेसिपी बनेगा। ये देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं ढक के साइड में रख लेती हूँ। तो इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक चम्मच साबुत धनिया लिया है और एक चम्मच जीरा लिया है, साबुत जीरा, और 3 कलियाँ लहसुन का, और 3 से 4 टुकड़ा में अदरक लिया है। चलिए सबको अच्छे से दरदरा सा इनका पीस लेते हैं। देखिए मैं दरदरा सा पीस लिया मैंने, और देखिए इधर मेरा बेसन भी फूल चुका है ये, और जो मसाला पिसा था ना वो मिक्सी में डाल देती हूँ। देखिए बहुत टेस्टी और बहुत यूनिक सा रेसिपी है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और मैं ये प्याज लिया है जो पतला पतला कर लिया है, और 2 से 3 मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ, और खूब सारा हरा धनिया पत्ता डाल रही हूँ यहाँ पे। और एक मैंने यहाँ पे आलू को कद्दूकस करके मैंने यहाँ पे पानी में रख लिया था, और उसका पानी मैं निचोड़ कर यहाँ पे डाल रही हूँ। देखिए पूरा सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पूरा जितना हम मिक्स करेंगे उतना ही बहुत टेस्टी रेसिपी बनेगा ये। देखिए और मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है, और मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, और 1 चम्मच में सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। अगर आपको तिल पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अजवाइन से भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से मेरा फ्लफी हो चुका है, और मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए पूरा अच्छे से मेरा मिक्स हो चुका है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए चढ़ा लिया है, और मेरा तेल भी गरम हो चुका है। मैं यहाँ पे हाथों से थोड़ा थोड़ा से मैं यहाँ पे डालते जाऊँगी कढ़ाई में। देखिए बहुत इजी और बहुत टेस्टी सा रेसिपी है, और बहुत यूनिक भी है। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसा लगा। अगर आप अपना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम एक एक करके सभी को अच्छे से मैं यहाँ पर ऐड करते जाऊँगी। देखिए मैंने इतने सारा बना लिया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फ्राई करने के लिए चला लिया है, रख लिया है। चलिए मैं ये चलाते हुए दोनों तरफ से मैं अच्छे से इनको क्रिस्पी फ्राई कर लेती हूँ। देखिए बहुत इजी बहुत टेस्टी सा रेसिपी है मेरा। देखिए अच्छे से सुनहरा कलर भी आ चुका है, और मैं यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। बहुत टेस्टी बहुत क्रिस्पी बहुत यूनिक सा रेसिपी, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है ये। देखिए मैंने एक बेस फ्राई कर लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ना दूसरा बेस फ्राई कर रही हूँ, मैं अब चम्मच से डाल रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक, और फिर से मैं अच्छे से इनको क्रिस्पी कर लेती हूँ। हमें ना दोनों तरफ से अच्छे से इनको भी क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। हमें इनका फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में रखना है, पूरा हमें हाई पर नहीं रखना है, नहीं तो पूरा जल जाएगा और अंदर पूरा कच्चा रहेगा ये। देखिए मेरा ये भी क्रिस्पी फ्राई हो चुका है, मैं इनको भी अब निकाल लेती हूँ। बहुत इजी है और बहुत सिंपल सा रेसिपी है आपको। देखिए मैंने यहाँ पे सभी को निकाल लेती हूँ अब। देखिए मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है, बहुत क्रिस्पी बना है ये। देखिए और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, देखिए बाहर से बहुत क्रिस्पी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है ये, देखने से अंदाजा लग रहा होगा। देखिए अंदर बहुत फ्लफी है ये, बहुत टेस्टी भी है ये, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप यहाँ पे देखिए चटनी के साथ सब कर सकते हैं, या सॉस के भी साथ खा सकते हैं। बहुत इजी बहुत टेस्टी सा रेसिपी है। ओके आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे सब कर लिया है सॉस के साथ, मेरे बच्चों लोगों को बहुत पसंद आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब करना।